विपिन पठारे इज डायरेक्टर ऑफ ओम कंसल्टेंसी सर्विसेज। He's a soft-spoken IT professional, but a solid example of misleading demeanor. The reporter states his fictitious objective of organizing an online election campaign and kicks off the conversation. Pathare promises him 25,000 daily clicks on the website he proposes for starters. तो अब मुझे आप ये बताइए सर कि अगर मान लीजिए हम मार्च तक करते हैं काम तो हमारे साथ कितने लोग जुड़ जाएंगे? ऑल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई, सब जगह। नहीं, एक्चुअली सपोर्ट में टिक का सवाल है तो दिन में एक्चुअली अपने इसमें वी कैन कलेक्ट अराउंड 20 to 25,000 क्लिक। 22,000 पर डे? हाँ, पर डे का। तो वो जो अपने बंदे बैठे, अपने जो बंदे बैठेंगे उनसे मतलब वही करते रहेंगे? वही करते रहेंगे। तो कितने लोग लग जाएंगे, 10-15 या ज्यादा? एक्चुअली अपने को 5 बस है, पनवेल के ऑफिस में बिठा के चलेगा, नहीं तो आपको ऑफिस में दीजिए, मेरे आदमी उधर भेजेंगे। कैसे? हम आपको पाली हिल पे जगह दे देंगे। बिहार में तो मामला हुआ, ये सब चल रहा है। पठारे सेज 25,000 ऑफ क्लिक्स पर डे, वी से दैट्स एन इंप्रेसिव स्टार्ट। What follows now is more than impressive. It's jaw-dropping. Vipin Pathare has created a database capable of displaying customized lists of state-wise demographics. So how exactly will this database be helpful in election campaigns? Listen in as Pathare explains. आपको सपोज इसका वोटर देखने का कितना 112 में, तो इधर सर्च देंगे तो आपको वो वोटर्स मिलेंगे कितने हैं वोटर्स। अच्छा, 112 बूथ पे? हाँ, ठीक है, पूरे बूथ के ये डेटा आ गया आपके पास। 1141 है, तो आपको पता चलना है इसमें मराठी कितने हैं। अच्छा, वो उससे बेनिफिट होगा। ये देखो ना, जाति के आधार पे कास्ट के हिसाब से ना मराठी कितना है, केरला कितना है, ये कितना है, ये मराठी हो गया, ऊपर गुजराती हो गया, पूरा टोटल गुजराती कम्युनिटी कैन कंसीडर ऑन। हां, एक का खाली नहीं देने का, उसका वो देखता हूं, देखा तो कैसे करने का प्रॉब्लम ना। अभी आपको सब में देखना है तो इसमें आप शो डाटा करके देख सकते हैं, तो आपको सबका परसेंटेज नहीं मिलेगा। Pathare says that his database can even produce campaign relevant details of people of different states. Every individual is apparently assigned an ID. Please bear in mind that it is not a voter ID or Aadhaar ID or Ration Card ID. It's a completely unique ID, personal to the administrator of the database. This unique ID is the key to their names, addresses, cell phone numbers and income levels. In his words, double click kiya to uska idhar pura kundli malum padega. आपको कोई भी आदमी पहचान को होता है तो मैं 1000 कितने सेकंड में हम लोग आदमी ढूंढ सकते हैं अंधेरे का। अच्छा, आदमी निकाल सकते हैं आप? वही उसका तो नाम लिख सकते, कर सकते, बाद में उसको SMS भेज सकते हैं, आपको वोट करो करके। अरे वेरी गुड, मतलब किसी भी आदमी को ढूंढना है तो यहाँ से बैठे बैठे अभी इसी से निकाल देंगे आप पूरा। अभी उसका पूरा कुंडली जानना है तो ऐसा आपको डबल क्लिक किया तो उसका इधर पूरा कुंडली मालूम पड़ेगा, फिर बंदे का। हाँ, बंदे का क्या क्या है, फोन नंबर वगैरह सब। पहले काम किया तो लोअर इनकम वाले ग्रुप को एक अलग सा कुछ खुश करे, मिडिल वाले को कुछ अलग सा खुश करे, ये सब कर सकते हैं उसमें। एजुकेटेड लोगों को कुछ अलग सा कुछ करे, मान लीजिए फोन नंबर दे के इधर SMS का ट्राई करे, ये सब है उसमें। Yes, you heard that right. Pathare suggests division of people based on their income levels to customize the SMS to be sent on their phones. And the best feature of this software is its usefulness on the day of the elections. He says, "सबसे बड़ा अचरज वाली बात है ना, आपको बता रहा हूँ अभी, इलेक्शन के दिन पे भी यह काम आता है। और आपको अभी इसमें से सबसे बड़ा अचरज वाली बात है ना, आपको बता रहा हूँ अभी, इलेक्शन के दिन पे, इलेक्शन के दिन पे भी ये काम आता है। कैसे बता दूँ आपको मैं जी? बताइए। अपना आदमी अंदर रहता है, प्रतिनिधि,
चौकन लेके बैठता है वो मालूम होगा बिल्कुल, दो दो घंटे में उसका रिलीज हो जाता है वो। हम बैठे हैं, हम भी बैठे बहुत जी। हाँ तो अभी आप जैसे वो यारो किल्लत है दो नंबर, तो आप दो टिक कर दे बरा, जैसा नंबर आया नंबर टिक कर दे। बिल्कुल सही बात है। दो कार्बन रखने का नीचे, ओके। वो एक सीट है वो दो घंटे में बाहर लाने का, और उधर बारह के में ये नंबर है 1 2 3 लाइन से है ना, एक आया हाँ आके गया, एक तीन नंबर आके गया, तीन नंबर आके गया, चार नंबर आके गया, बाहर टिक करने का बूथ वाइज जो बूथ पे आप है वो। हाँ, और इधर रोटेट करके क्लिक करने का, तो दिस पीपल विल बी मार्क एज रोटेट। बाद में एक लिस्ट आ जाएगी जो वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकलो बिल्डिंग वाइज, और वो कार्यकर्ताओं को ईमेल जाएगी इसकी। अच्छा ठीक है, उनको लेके आओ करके, अपने आदमी अभी तक आए नहीं वोटिंग। अच्छा, के लिए नहीं आएंगे तो खुद डाल दो, मतलब वो आए नहीं उनको डलवा लो वोट कुछ भी। अच्छा, ये अगर मान लो दूसरी पार्टी विपक्ष वाले भी करते हैं तो उनकी वोट जाली पकड़ी जाएंगी इससे? हाँ पकड़ी जाएगी ना, तो जाली वोट उनसे पकड़ सकते हैं। और इसमें आप लोग, मैं आपको दोबारा लिस्ट भी दूंगा उसको नजर रखने का, वो लेके ले बैठेंगे दोबारा लिस्ट। अरे ये डबल है, डबल आया कुछ, उसको एक्शन ले लो, आपको मालूम है एक्शन ले सकते हैं, उसको ऑब्जेक्शन उठा दिया, क्या करें, अपना ज्यादा वोटिंग करने का, दूसरा पार्टी का ज्यादा करने को नहीं देगा, बोगस नहीं करने को, इससे आप लोग अपनी जीत होती है स्ट्रेटेजी। तो ये लोग तो जो बूथ पे हमारे रहेंगे, ये मतलब मान लीजिए अगर एक लिस्ट बन गई एक एरिया में 10,000 या 5,000 लोग हमारे बन गए, बन जाएंगे बड़ी इजीली जैसे आप डाटा दे रहे हैं, तो वो 10,000 5,000 को हम एक साथ, जैसे मान लीजिए इलेक्शन का टाइम है या कुछ ऐसा है, तो उनको बोल सकते हैं कि इस बूथ पे जाइए, इस बूथ पे मतलब अपना जाके काम कर सकता है, वोट करिए, या मतलब मान लो नहीं है तो कब्जा कर लो, डालो मतलब वोट डालो, वोट कैप्चरिंग जिसे बोलते हैं जैसे हमारे वहाँ पे, तो वो मतलब ये वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं डाला उनके डाल सकते हैं, डाल सकते हैं वो, पता हमको पता है इसका नहीं डाला, डालो 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 वोट नहीं कर सकते। मैं ये भी शिपकेट का लिस्ट दे दूंगा आपको, कितना लोग शिपकेट गाओ गए इसमें से, वो भी। अच्छा ये भी हो जाएगा, ये सब पता करने। अच्छा, वो इसी के बिहाफ पे मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब हम बूथ पे हर बूथ पे अपने 100-100 कार्यकर्ता बनाएंगे, बस वही नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो इसी के बिहाफ पे कह रहे हैं। राइट, मैंने सुना था वो कह रहे थे कि, मैंने कहा अरे अपने कार्यकर्ता इतने सारे आदमी कहाँ से लाएंगे, अब ये पता नहीं है कि लोकल वो वहीं से ही, लोकल में जो बेरोजगार लोग हैं उन्हीं को बनाएंगे, क्या काम कर, कुछ नहीं है ना, चल डटे हमारे डेली 10 रुपए मिलेगा, चल वो भी लेते हैं वो लोग। So this is the objective of designing this cataclysmic software. It can generate an entire voter list that can be put to a productive use. On the day of elections, the person sitting inside the booth could be made to mark every person in the list who has voted. By the end of the day, make a list of all the people who have not voted. Dear viewers, if you are serving any political party and if your Netaji's intent is as evil as our reporter's fictitious minister, this list is your Brahmastra. You can use this list of no-shows to your benefit by voting on their behalf in your favor. What's more, you can even catch any misdoing from the opposition if they try to manipulate the votes of the absentees. See, we promised this would be jaw-dropping, but the best is yet to come. Patare informs the reporter that one strategy commonly adopted by political parties is to gather all unemployed people and station them near the voting booths. These people would be happy to cast their vote under a different name for the paltry sum of 10 rupees. In his words, Berojgar kya kaam karte hain? Kuch nahin. Din bhar ke liye 10 rupay milega, wo bhi lete hain ye log. Patare further suggests a strategy to generate likes on Netaji's Facebook page by luring the young and impressionable voters. तो इनके साथ में जो लाइक्स लाने या ट्विटर लाने वो तो आप ही करेंगे, तो ऐसे ही हमारा भी करिएगा। मालूम है एक्चुअली मैं सब जगह लाइक ज्यादा ज्यादा मिलने के लिए मैं सब जगह एडवर्टाइज करूंगा मेरे इधर से कि इनको लाइक दो करके, और हम लोग कॉलेज का लड़को जो 18 के ऊपर है ना उनको भी कुछ तो बांटेंगे ऐसा, क्योंकि पेन बांटेंगे, ये आपका साफ का फोटो होगा ऐसा पेन एक बांटेंगे, सिर्फ बोलेंगे कि ये साइड पे जाकर लाइक दे दो। हाँ पेन ले लो, वही अरेंज करिए, मैं इनको गाइडलाइंस दूंगा कि कैसे कैसे करना है कि लाइक के लिए,
तो एक्चुअली ग्रुप बनाएंगे, हमारे ग्रुप होते हैं अच्छा। जैसे हमारा लिंक्डइन का ग्रुप है, इनको ग्रुप कब मैं सबको भेजूंगा कि एक्चुअली इनका भी फेसबुक पे ये पेज है फलाना फलाना, उस पे आप लाइक दे दो करके, ठीक तो फटाफट फटाफट लाइक आ जाएगा। जो भी पैसा वो लेंगे वो ले लेंगे खर्चा बस, कितना खर्चा पड़ जाएगा फिर भी एक 10 लाख का? वो भी वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा, एक रफ आइडिया जैसे मतलब आपने तो दिया है और लोगों तो कितना मतलब पड़ जाता है? नहीं अभी कैसा मतलब सॉफ्टवेयर का, सिर्फ सॉफ्टवेयर ना, ओनली सॉफ्टवेयर उसका मैं 3.5 लाख चार्ज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम कम है, कोई बहुत कम है तो बहुत कम है, ये तो इसके 10 लाख भी दे देगा कोई, मैं इसमें बोलूँ इसलिए ठीक है। लेकिन वो फेसबुक का वो आदमी लोग वगैरह बैठते हैं ना, उसका 7.5 लाख चार्ज करता हूँ, 7.5 तो 10 हो गया, ये 10 हो गया, और 10 के बाद में अगर हमें ये लाइक खरीदने पर एक्चुअल जो आएगा खर्चा वो हिसाब मैं बताऊंगा कि अभी इसको इतना लगेगा, लेकिन ये बेसिक खर्चा इतना है। Pens embossed with Netaji's picture can be distributed to lure college students to add a like to Netaji's Facebook page. We hope all our young viewers are paying close attention. Pathare gloriously undermines the intelligence of college students who, he thinks, can be easily swayed by such freebies. Well, coming back to the verdict altering software, Pathare will charge 3.5 lakh rupees for use in the fictitious leader's election campaign. Further, he also agrees to generate negative propaganda for Netaji's opponents. He clearly understands the gravity of the task when he says, "Dusre ka ulta propaganda karna hai." You may have seen this in Bollywood films, but here is a real-life first-person account. Listen in. नहीं उसका ये भी है कि उसके बारे में ऐसा कोई चीज़ आ जाए जिससे कि एकदम पूरा हंगामा मच जाए कि यार ये तो चोर आदमी है, ये जो इलेक्शन के लिए लड़ा है, ये जो MP वाला ये तो चोर है, इसको तो वोट ही नहीं करना चाहिए, दूसरा का उल्टा प्रोपेगेंडा, हाँ प्रोपेगेंडा उसके बारे में ऐसा हो जाए कि उसको मुकाबला हो जाए, बस वही हमें करानी है, तो उसके लिए अलग बजट बनाइएगा, 3 बजट बनाइएगा। कौन कर रहा है हमें नहीं मालूम भाई, ये तो भाई एकदम चोर निकला, इधर प्रवींदर के इधर प्रवींदर जीत गया ना अच्छा, ये उधर हम लोगों ने क्या किया था वहाँ ये जगह पे मुस्लिम वोट थे, मुस्लिम तो नहीं डालेंगे कर देंगे, उधर 60% जो मुस्लिम थे, हम लोग ने कैसे किया, हमने उधर दंगा किया, एक थोड़ा सा एटबॉम्ब जैसा थोड़ा सा बॉम्ब वगैरह वो सब थोड़ा उधर उड़कर कोई बाहर नहीं आया, उनका 60% का वोट आ गया, पूरा वोट डल दिया, सही है सर, ऐसे ही करा दीजिए सर, मजा आएगा सर अगर ऐसा हो, ये सब स्ट्रेटेजी है ना, ये अपनानी पड़ेंगे, तो ये फॉर्मूला सॉलिड फॉर्मूला है। दूसरा ये है कि पता चलता है इधर कौन किधर है, अच्छा ये पता चलता रहेगा आदमी कौन किधर है, अभी इससे तो वही पता चलता है ना आपका कौन सा रोड पे कितने लोग मुस्लिम रहते हैं कितना मराठी होते हैं, तो उसी रोड पे उनको निकलने देना नहीं, ऐसा नहीं बम बम नहीं फोड़वाना है हमें, क्या करना है मतलब ऐसा 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 माहौल निकला नहीं, वो तंग हो जाएगा, अंदर भी नहीं आई है कि ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ है, लोगों को रूमर करने का उधर है ना गड़बड़ हुआ है, बार मत वो आएंगे नहीं अपना भी, दूसरा वो लोग है ना ये अपडेट Pathare reveals to the reporter the nature of negative propaganda that his software has enabled in the past, knowing very well that the Muslim community will not vote for the candidate from the area. A bomb was exploded in that area to scare the Muslims from stepping out from their homes. His client used that headcount to add fake votes in their favor. Through this strategy, they managed 60% of the votes that would have otherwise gone to the opposition or not voted at all. Pathare informs, उधर हम लोगों ने क्या किया था मालूम है, एक जगह पे मुस्लिम वोट तो नहीं डालेंगे, हमें मालूम था पक्का उधर 60% जो मुस्लिम थे, हम लोगों ने कैसा उधर दंगा किया, एक थोड़ा सा बॉम्ब होता है, बॉम्ब वगैरह वो सब फोड़ा उधर उनके ही लोगों ने, वहीं कोई बाहर नहीं आया। दिस वॉज मेड पॉसिबल बाय द मैजिक डेटा बेस विच वॉज केपेबल ऑफ थ्रोइंग अप इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोड्स दैट वर पॉपुलेटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। Pathare सेज, इससे तो यही पता चलता है ना आपका कौन सा रोड पे कितना लोग मुस्लिम रहता है। When the reporter says he does not want any bomb explosions, Pathare suggested that even a small rumor of bomb scare can do the trick. In his words, लोगों को कुछ एक एक रूमर वो करने का है, रूमर वो करने का है, उधर है ना गड़बड़ हो रहा है, बाहर मत निकलना। That, ladies and gentlemen, is the use to which this explosive software can be put to. And it is little wonder how it must attract high interest from various political outfits.
अभी 81 से फील्ड में हूँ और इलेक्शन का 86 खेले कर रहा हूँ। मुनगंटीवार साहब मालूम है आपको, अध्यक्ष थे वो, मैंने खास खरीदा आके बैठते बीवी से पवा मंगा थे। अरे मुनगंटीवार जी तो इन सब लोगों के लिए आपने तीन घंटा बैठे, इन सबके लिए पुराना काम आप कर चुके हैं यही सब। अरे भाई बोल, मैं भाऊ बोल रहा हूँ उनको, भाऊ मोदी जी का काम नहीं है आपके पास? नरेंद्र मोदी जी का आने वाला था एक्चुअली, शैलेश पटेल करके उनके दोस्त है। अच्छा, वो मुझे लेके जाने, लेकिन मैं बिजी था। राजस्थान के इलेक्शन में भी चौताला साहब का लड़का आके गया था, ओम प्रकाश चौताला उनका लड़का है, अजय चौटा, अजय। हाँ, तो एक्चुअली मैं नहीं बोला क्योंकि सब जगह मैं नहीं हो सका, भगवान की वो सही बात है। आगे भाई सब कहाँ कहाँ तक करेंगे आप, जो लिया हुआ काम तो निभाना चाहिए, एक का लिया दूसरी जगह मार्केट खराब हो जाती है उससे, और पता चला कि आपने काम नहीं किया तो बाद में उसके बाद। मैं दिल्ली का केजरीवाल से आधा घंटा मैं कल परसों बात कर रहा था। अच्छा, फोन अरविंद केजरीवाल फोन पर से गया, मिला नहीं, मेरे दो बंदे उसके सामने बैठे थे, उन्होंने फोन लगा के दिया उधर आम आदमी का, वो बोलते कि हमारा दिल्ली में गया, दिल्ली में है ना विधानसभा का इलेक्शन है, शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ रहा है अभी जो है, तो उनके उन्होंने 70 जगह है, 70 जगहों पर खड़ी किया है। तो वो मुझे बोल रहे थे आप डोनेट कर दो, मतलब मैं क्यों डोनेट, क्या क्या लगता है क्या डोनेट कर दो, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डोनेट। ओह, उनको बहुत अच्छा लगा। तो बाद में मुझे फोन पे बोला अभी ऐसा करते हैं, जो भी हमारा कैंडिडेट खड़ा है उसका ताको ज्यादा खुश लेगा, पार्टी तो दे नहीं सकती पैसा आपको, क्या कर सकते हैं वो दे देगा, वो दे देगा, चलो आपको तो पैसे से मतलब है, कैंडिडेट दे या केजरीवाल दे कोई भी दे, या आपको शीला दीक्षित दे या मोदी जी ने, जो भी पैसे देगा आप उसके लिए काम करेंगे। Patare tells the reporter that Aam Aadmi Party wanted him to donate the software to the party and he declined to comply. Indeed, why would Patare want to donate a gold mine? Even if it is for an apparently cash-strapped party. The director of Om Consultants has more tricks up his sleeve that gives a more sordid meaning to the expression cash for votes. हम लोग इधर से झोपड़पट्टी का एरिया जो 10 एरिया निकालेंगे ऐसा प्रोमिनेंट जिधर बहुत वोटिंग है वो किसको नहीं वोट करती, जिस जिसका पैसा आएगा उसके वोट करते। अच्छा, ये भी मिल जाएगा, ये भी होता है। तो उसमें क्या मालूम है, 100 रुपये से लेके हर घर पे 100 रुपये से लेके 1000 रुपये इतना चलता है, रेट चल रहा है, ठीक है, तो वो वोट अपने ही बन जाते हैं। वो भी है, लेकिन ये कहाँ तक करना है नेताजी के मन से? नहीं तो पेमेंट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए पेमेंट तो इन्होंने कह दिया है 4-5 करोड़ रुपये लग जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेन ये कि हमारी गारंटी क्या होगी, वो हमें वोट डालेंगे 1000 रुपये ले लेंगे, वोट डालेंगे हम लोग पैसा लेकर गारंटी दिला देंगे कि आप भी सीट लाते हो। तो ये कैसे हुआ, गारंटी कैसे आएगी वोट की? गारंटी आती है ना, अकेले अपने को समझ में आता है इधर है ये इतना एरिया इतना हम लोग पक्का करें। हम लोग आपको ना अप्रोक्सीमेटली वोटिंग के दिन पे आपको बोलेंगे आपके इतने वोट आएंगे और उतने आने ही जाइए पक्का। चलिए सर डन, ये भी फॉर्मूला हमें पसंद आया आपका। Bipin Patare suggests the standard rate for buying votes for cash is 100 to 1000 rupees. In his words, 100 rupees se lekar 1000 rupees tak ka rate chal raha hai. He is no man of empty words. He will give a guarantee for the money he is paid. He says, voting ke din pe aap bolenge aapko itne vote aayenge aur utne hi aa jayenge. To compound this unethical conduct with illegality, Patare tells the reporter that he will take payment for his services in cash and the delivery can be made outside the country. थोड़ा सा हम ये चाह रहे हैं ना कि हमारा आपका रिलेशन किसी को पता ना चले कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं या आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए हम सारी पेमेंट जो है वो कैश में होगी, जैसे आप करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, एक्चुअली वो ये भाई कांग्रेस का काम करने थे ना, हाँ, तो अभी वो बोला मुझे कैश में दे रहा है और वो क्या उन्हें कामगार लोगों को पैसा भी जमा कर दिया। मैं उस दिन आया इतना भाई बोले किधर लूट के आया, 10-10 रुपए का नोट, अरे वो बड़े नोट होंगे हमारे, हमारे सारे 1000-1000 के नोट होंगे, 1000 या 500 के नोट होंगे, छोटे नोट नहीं होंगे हमारे। दूसरा ये है कि कोई बंदा सज्जन आएगा वो मुंह पहुंचा के जाएगा, ये आप यहाँ कहेंगे या थर्ड जगह प्लेस, आप अगर बाहर कहीं यूएस में तो यूएस में भी दे देंगे आपको, यूएस में मेरा बेटा रहता है। Thus Patare sets a price for negative campaigning at 1.5 crore rupees. And it is not for nothing. He is a man with a plan.
he will set up a well thought out strategy for maligning the opponent's reputation. नेगेटिव में ना कोई नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका गेम तो बच जाएगा ना बस 10 दिन पहले, जिससे कि लोगों के मन में एकदम रहे। एक्चुअली ये सब चीजें ना उसमें ज्यादा पैसा लगता है, आपने इसमें पैसा ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कई जगह पे है। हाँ, उसमें सेटअप करना पड़ेगा। हाँ। तो उसमें कनेक्शन कैसे लेंगे आप जो लेंगे इंटरनेट का? वो तो ले लेंगे हम लोग, पूरा सर्वर डिजाइन करेंगे अपना। नहीं, आपका लिंक तो एस्टेब्लिश नहीं होगा उसमें। सर्वर है ना इंस्टॉल करके पूरा नेगेटिव प्रोपेगंडा, उसे मेरा नाम भी नहीं रहेगा। हाँ, नहीं कनेक्शन भी मत लीजिए आप अपने नाम से, मैं कह रहा हूँ मेरे नाम पे नहीं, अपना सर्वर रहेगा ना। हाँ। उसमें से पार्ट करने का उसके नाम पे, तो वो फेक होगा ना, फर्जी होगा, जेन्युइन तो नहीं होगा ना। हाँ, अपने नाम से मतलब नहीं, सर्वर का इतने वो मेरा सर्वर यूएस से होगा, कोई फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। वो भी यूएस से होगा, यहीं से यूएस बैकबोन रहता है हमारा, तो वहीं से ही दूसरे के लैपटॉप से होगा वो, जिसको एसएमएस भी आप जैसे बोले ना, इधर अपनी गवर्नमेंट ने फालतू है ट्राई का इतना लफड़ा है, दूसरे एसएमएस के ऊपर मत भेजो। अरे मैं तो 1 लाख भेजता हूँ, ट्राई की जरूरत पकड़ती है मेरे को, क्योंकि मैं भेजता हूँ यूएस का बैकबोन, ये मेरा एसएमएस कनेक्शन है ना, यूएस का बैकबोन है इसका। हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम उनको कैसा पकड़ेंगे अपना खेतरी में आते नहीं, पुलिस को जाएंगे तो बोले अरे ये अपना एरिया नहीं, इधर कब पकड़ता नहीं पुलिस को। Why bother with the restriction of 200 SMSs imposed by Indian laws when the United States of America is way more generous? For the benefit of our friends in Telecom Regulatory Authority of India, we will repeat Pathare's vote of confidence. He says, Try ka itna lafda hai, 200 se upar SMS mat bhejo. Arre, main to 1 lakh bhejta hoon. Try kidhar pakadta hai mere ko, kyunki main bhejta hoon. Ye mera SMS connection hai na, US ka backbone hai iska. From circumvention of telecom regulations, to misleading the voters during elections, to contributing to communal tensions, OM Consultancy Services has used and abused every networking platform known to exist.